चश्मा पहनोगे आप? यहाँ पे एक एक्वेरियम है। घर से बना के आए। काफी खूबसूरत दिख रहा है ये वाला घर, ग्रीन कलर का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। तो फ्रेंड, आज और एक दिन हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे पास में एक बीच है। आपको तो पता है न्यू जर्सी में बहुत सारे बीचेस हैं, तो हम लोग और एक बीच जा रहे हैं आज। और आज का जो बीच है वो काफ़ी मतलब नेचुरल टाइप का बीच है, उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है वहाँ पे। तो जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा शाम का सनसेट देख के आते हैं। और अब जन भी रेडी हो गया है चश्मा वश्मा लेके। चश्मा पहनोगे आप? हैं, चश्मा पहनोगे? हैं, आज चश्मा पहन के जाना है क्या? धूप हो रहा है, बहुत धूप हो रहा है। और ये है हम लोगों का अपार्टमेंट कम्युनिटी। तो चलिए चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके फिर मिलते हैं। तो हमारे घर से तो ये 1 आवर डिस्टेंस में है और हम लोग समर में बीच ही जा रहे हैं और हमारे घर के पास बहुत सारा बीचेस हैं, तो इसको क्यों छोड़े। तो आज भी निकल पड़े हैं और एक बीच देखने के लिए। और लॉन्ग वीकेंड भी खत्म होने वाला है फ्रेंड्स, और सितंबर का लॉन्ग वीकेंड 4 दिन का लगभग मिला था, 3.5 दिन का। तो सोच लिए कहीं पर जाए, तो आज बीच पर निकले हैं और कल फिर और एक जगह पे जाएंगे। देखते हैं, आज पहले आ जाए, सक्सेस हो गए फिर जाएंगे, क्योंकि मतलब अध्ययन क्या होता है, एक एक दिन चिड़चिड़ हो जाता है, तो उसको लेके फिर सोचना पड़ता है कि कल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, आज तो एक नया टाइप का बीच जा रहे हैं, मैं कभी नहीं गई वहाँ पे पॉइंट। तो आज जिस बीच में जा रहे हैं उसका नाम है पॉइंट प्लीजेंट बीच, और एक फैमिली भी हमारे साथ जा रहे हैं। और मैं कुछ बना के ले रही हूँ जो भी हड़बड़ी में हुआ, तो वहाँ पे चल के आप लोगों को दिखाते हैं क्या लेके आए हैं बना के। आज पूरा सनी वेदर है और 28 से 30 डिग्री है, पता नहीं सी बीच में कैसा होगा, बीच के आसपास कैसा वेदर होगा पता नहीं, देखते हैं। और ये वाला बीच हमारे पहले टाइम है, हम लोग कभी नहीं गए थे ये वाला बीच। सुनने को मिला कि बहुत अच्छा है, मतलब नेचुरल टाइप का बीच है, देखते हैं। ये आगे का व्यू देखिए, और गाड़ी अभी 78 में जा रहा है। यहाँ पे रूल्स होते हैं कि मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है 65 माइल्स पर आवर जा सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में कहीं कहीं पे पुलिस रहते हैं तो तुरंत से पकड़ लेते हैं अगर ज़्यादा स्पीड में गए। तो 65 अगर लिमिट है तो आप 10-15 आगे पीछे हो सकता है, मतलब 65 है तो 75 में आप जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो रिस्क होता है उसमें। तो देखते हैं, चलिए फिर बीच में जाके आपके साथ मिलते हैं। वहां पे गाड़ी पार्क कर ली हम लोग और अभी जा रहे हैं बीच पे। तो ये वाला बीच यहाँ पे काफी खूबसूरत दिख रहा है। चलो नो यू पे काफी सारे घर हैं, यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं लग रहा है मेरे को, यहाँ पे रेंटल घर सब है। और यहाँ पे आप आके ये वाला रेंटल्स घर सब बुक कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे घर है और यहाँ पे सी बीच।
खूबसूरत बीच है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है। यहाँ पे आगे ऐसे रोज फ्लावर सब है, और यहाँ पे सोफा वगैरह काउच वगैरह पड़ा है यहाँ पे, और ऐसे बैठ के बीच का नज़ारा ले सकते हैं। ये भी एक घर है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये वाला घर, ग्रीन कलर का। बीच तो अलाउ नहीं है, आगे जाके देखते हैं। ये ब्रॉडवॉक लेकिन पूरा साफ है ना। आज विंडी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है हवा। विंडी है हाँ, मतलब थोड़ा सा ठंड हवा है और खूब सनी, बट हवा ठंड तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे काफी सारे घर हैं, और मतलब काइंड ऑफ प्राइवेट बीच काइंड ऑफ है, तो लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक्वेरियम है, ये वाला एक्वेरियम, और काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। और अभी बीच पे पहुंच गए हम लोग, अंदर तो जाने के लिए अलाउड नहीं है बीच के अंदर, तो यहाँ पे रह के थोड़ा सा फोटो वोटो खींच लेंगे। काफी सुंदर बीच है, मतलब और थोड़ा पहले आते तो अच्छा होता ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट प्लीजेंट में ऐसा है कि 5:30 बजे बंद हो जाए, और हाथ में बैंड रहना पड़ता है, वो बैंड खरीदना पड़ता है, बैंड लगा के आप अंदर जा सकते हो, अगर बैंड नहीं लगाए तो अलाउड नहीं, तो वो पता नहीं था वो चीज़। खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, मिल्क शेक्स, बीज बोरेटोज, फैनल केक, वो सब मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बीच, वो एक्वेरियम है पता है ना, आगे का एक्वेरियम। यहाँ पे कुछ गेम मार्केट है, और ये वाला भी कुछ कुछ वेंडिंग मशीन है गेम। और इधर बैठे हैं फ्रेंड, इधर चेयर्स वगैरह है, और इधर से व्यू। इसको देखिए अंदर क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हुआ
अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हैं? अच्छा नहीं लग रहा है क्या तुमको? और ये खाने का मिर्च चाट और चटनी और यहाँ पे बैठेंगे हम लोग और थोड़ा खाने का मजा लेते हैं अभी यहाँ पे। ये है ब्रेड चॉप और ये रहा हरी चटनी और बीच में खाने का मतलब कुछ और है ना, तो घर से बना के लेके लाए, घर से बना के आए और यहाँ पे खा रहे हैं। अगर बीच में अंदर एंट्री देता तो इसका मजा कुछ डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हो रहा है। और ये मतलब इतना परेशान कर रहा है, खाते टाइम ही परेशान करता है। उधर भैया लोग खा रहे हैं, भाभी भैया लोग, अभी हम लोगों का खाना पीना खत्म हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे तो काफ़ी दूर है हम लोगों का कार, और मैं आते टाइम दिखाया था यहाँ पे काफ़ी सारे बीच हाउसेस हैं यहाँ पे, इस तरफ देखिए ये भी, ये सब प्राइवेट हाउस है। ये घर मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला, यहाँ पे एक ले लें क्या, यहाँ पे रह जाएं क्या, जब तूफान आएगा तब मजा निकलेगा। बहुत पुराना पुराना सुनामी जब आएगा तो ये सब पहले इम्पेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और एक ब्लॉग में मिलते हैं। कल भी हम लोगों का एक प्लान है तो वहाँ पे चलते हैं और फिर मिलते हैं, ठीक है चलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लट्स अप लव।